राजस्थान सरकार ने भले ही पुष्कर में पशु मेले की अनुमति दे दी हो, लेकिन पुष्कर मेले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने आज अजमेर यात्रा के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि एक तरफ अजमेर के दरगाह में छठ के नाम पर हजारों लोगों को जमा होने दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हिंदू आस्थाओं के सबसे बड़े पुष्कर मेले को केवल पशु मेले के रूप में आयोजित करने की अनुमति दी जा रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि एक ही प्रदेश में दो समुदाय के साथ राजस्थान सरकार का अलग अलग व्यवहार है। योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक समाज के जो उत्सव हैं उनको रोकने का प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो पुष्कर में जो मेला आदिकाल से चला हुआ है और बड़े पैमाने पर आज कार्तिक मेले में महिलाएं वहाँ स्नान करने के लिए आती हैं, लाखों लोग आते हैं, एक तरफ उनको अवरुद्ध करने का काम किया, उनको रोकने का काम किया, केवल कहा जा रहा है कि पशु मेला लगेगा, और दूसरी तरफ यहीं अजमेर में एक दूसरा धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल में छठ के अवसर पर जिस प्रकार हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई और उसको जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार नहीं रोका गया बल्कि खुली छूट दी गई, ये सरकार के दोहरे मापदंडों को प्रकट करता है। दिवाली के ऊपर सारे प्रतिबंध, दूसरे त्योहारों पर छूट, ये स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा है कि किस प्रकार से देश के बहुसंख्यक समाज के जो आयोजन हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। अरुण चतुर्वेदी ने आज अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की राजस्थान सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजधानी तक में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। राजस्थान में पुलिस भी कानून में विश्वास करने के स्थान पर सरेआम अपराधियों को गोली मार रही है, तो वहीं महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था आज सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई है। जयपुर प्रदेश की राजधानी है और प्रदेश की राजधानी में पिछले तीन दिनों में खुले बाजार में जिस प्रकार से ओपन में फायरिंग हुई है इसका स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ जोधपुर में जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी के स्वयं के गृह जिले में एक अपराधी को वहाँ जिस प्रकार से पुलिस ने घेर के मारा है, उनका परिवार इस बात को पूछना चाहता है और लगातार धरने में बैठा है कि अगर अपराध किया था तो न्यायालय सजा देता, पुलिस को सजा देने का अधिकार किसने दिया, इसका जवाब मांगने काम करना है। आज देश में कानून व्यवस्था के नाते से पहले नंबर पर महिला दुष्कर्म में राजस्थान आके खड़ा हुआ है। राजस्थान में जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजस्थान की परम्परा के पूरी तरह विपरीत है। राजस्थान में जिस प्रकार की परंपरा और भाषा की मर्यादा का ध्यान हमेशा रखा, जिस प्रकार से विरोधी दल के लोगों के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कहीं उनके लिए बूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया, सेंसलेस शब्द का इस्तेमाल किया, और इसी भाषा का प्रयोग राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं, अगर वो ज्ञानशील हैं तो इस बात को बता दें कि वो कानून व्यवस्था क्यों नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे, वो ज्ञानशील हैं तो इस बात को बता दें कि आज राजस्थान का व्यक्ति बिजली की कीमतों से परेशान क्यों है। अगर वास्तव में मुख्यमंत्री अपने को बहुत अधिक ज्ञानवान और स्थितियों को नियंत्रित करने वाला मानते हैं तो इस बात की जानकारी दें कि आज जो बिजली का क्राइसिस, एक तरफ बिजली के बिल में करंट और दूसरा बिजली के तारों से करंट का गायब होना, इसके जिम्मेदार कौन है, उसका नियंत्रण समय पर क्यों नहीं कर पाए, इसकी जानकारी दे दें। विकास पूरी तरह ठप है, केंद्र की योजनाओं को कैसे अवरुद्ध किया जाए इसकी योजना राजस्थान की सरकार बना रही है, चाहे पीएम आवास योजना हो या फिर जल शक्ति के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का विषय हो, इनको अवरुद्ध करने में सरकार लगी हुई है।